Hello everybody. Hello sir. So dear students, today I am going to teach you advanced passive voices. आपने देखा होगा कि वाक्य के अंत में वर्ब प्लस जाता है, जाती है और जाते हैं, आते हैं, और उसमें इज एम आर लगा होता है अखबारों में, तो आप सोचते हैं ये इज एम आर ता है ती लगाया और इसमें इज एम आर कैसे आ रहा है। डियर स्टूडेंट, आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, सो लुक इसको कैसे बनाया जाता है। आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके। सो लुक हियर, यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो द डूअर इज एब्सेंट, सब्जेक्ट जो होता है वो गायब होता है, राइट, और ऑब्जेक्ट पर हम फोकस करते हैं, जोर डालते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। सो लुक हियर, मुझे रोज डांटा जाता है, मुझे रोज डांटा जाता है, लेकिन मुझे डांटने वाला कौन है डियर स्टूडेंट, वो गायब है, राइट। मुझे डांट रहा है लेकिन कौन डांट रहा है, वो गायब है। तो लुक हियर, मुझे रोज डांट रहा था आई, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आ गया आई, फिर एम, हियर आई सब एम आता है तो एम आएगा, आई एम स्कोल्डेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो आई एम स्कोल्डेड डेली, राइट। और मुझे रोज नहीं डांटा, अगर निगेटिव बनाना हो इसका, ओके, मुझे रोज नहीं डांटा जाता है तो आई एम नॉट स्कोल्डेड डेली, क्या मुझे रोज डांटा जाता है इंटोगेटिव में, तो एम आई स्कोल्डेड डेली, मुझे रोज क्यों डांटा जाता है, मुझे रोज क्यों डांटा जाता है, ओके। सो लुक हियर, व्हाई एम आई स्कोल्डेड डेली, इस टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे किस दिन डांटा जाता है, कब डांटा जाता है, कैसे डांटा जाता है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। लुक हियर द सेकंड एग्जांपल, यहां पर हमारा शोषण किया जाता है, लुक हियर, वी आर एक्सप्लॉइटेड ओवर हियर, राइट। इन द सेम वे जैसे हमने ऊपर किया, वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल पे हमें करना है, राइट। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, कोई गुमराह करने वाला कोई दूसरा है, राइट। सो लुक हियर, द पीपुल आर मिसगाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, ओके, द पीपुल आर मिसगाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, लाइक दिस। इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। I hope it is clear. I will get in touch with you in the next video. Till then, goodbye. All the best, everybody.